9.6 क्वेश्चन नंबर 22 इंटीग्रेशन बाय साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूले में तो आ नहीं रहा है। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, देयरफॉर x is equals to sin inverse x is equals to t, then x equals to sin t, or differentiate with respect to t, the dx is equals to cos t dt. तो कन्वर्ट हो गया, i is equals to sin inverse x को t माना, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dx is equals to cos t dt. बाई पार्ट्स हो रहा है, बाई पार्ट्स आई लेट फर्स्ट फंक्शन और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकेंड फंक्शन, बाई पार्ट्स लगा दीजिए, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ऑल इंटीग्रेशन. तो I is equals to t square integration of cos is sin t, integration of cos t equals to sin t minus differentiation of t square is 2t, difference integration of cos t sin t dt. I is equals to t square dot sin t minus 2 is t sin t dt. Again by parts, by parts I let say algebraic function and trigonometric function, first and second, t square sin t minus 2 first function integration of second function minus differentiation of first function into integration of second function the whole integration. So I is equals to t square sin t minus 2, the integration of sin t is equals to minus cos t, sin t ka minus cos t minus integration of differentiation of t is 1 and minus cos t dt. So I is equals to t square sin t, ब्रैकेट रिमूव करेंगे, माइनस माइनस प्लस टू टी कॉस टी माइनस इंटू माइनस अगेन माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस टू, ये माइनस कॉस टी है भाई, माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी. तो आई टी स्क्वायर साइन टी माइनस टू टी कॉस टी और माइनस टू साइन टी प्लस सी साइन टी प्लस सी. अब वैल्यू देखिए, साइन टी इज इक्वल टू एक्स एंड कॉस टी इज इक्वल टू, यहाँ से निकालेंगे, देन टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, वैल्यू पुट कर दीजिए, बट कॉस टी को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, टी स्क्वायर साइन टी माइनस टू टी अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर टी माइनस टू साइन टी प्लस सी. पुट द वैल्यू ऑफ साइन टी इज इक्वल टू एक्स, टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये टी साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर एंड साइन टी इज इक्वल टू एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस साइन टी इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू साइन टी एक्स प्लस सी. कॉमन इज कॉमन आ रहा है इधर से एक्स, एक्स इज कॉमन, टू माइनस साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर और माइनस इसमें से कॉमन ले लीजिए आप. आंसर किस फॉर्म में देखो, 9.6
क्वेश्चन नंबर एक्स साइन एक्स सही है, ऐसे कैसे है भाई, यही यही है ना, प्लस 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 यही आंसर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रल आई ई की पावर एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx, एंड I इज इक्वल टू e की पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेक एज ए फर्स्ट टर्म, डिवाइड कर दीजिए। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया पावर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। Here, fx is equals to 1 upon 1 plus x square. Then, f dash x is equals to minus k 1 upon x square, all square into 2x. And in minus 2x upon 1 plus x square, whole square. 1 minus x upon 1 plus x square, all square. ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर न्यूमरेटर का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको एक्सपेंड कर दिया 1 माइनस से 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको फर्स्ट टर्म इसको सेकंड टर्म मान के डिवाइड कर दिया, ये स्क्वायर ख़त्म हो गया। और ये एज इट इज़ तो ये एफ एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या है माइनस 2x। तो एक फॉर्मूला बताया हुआ था इंटीग्रेशन ऑफ बी की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये तो रहा एफ एक्स और आंसर इसका हो जाएगा इंटीग्रल आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर एफ एक्स प्लस सी, ये आंसर है भाई। ई की पावर एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड नेक्स्ट बोलिए कोई, इंटीग्रेशन ऑफ पी की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, इनकी और तीन थे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ये सब स्पेशल टाइप्स के फंक्शन थे, इनका इंटीग्रेशन बताया था, इन पर बेस्ड है एक्सरसाइज नेक्स्ट। और हमें इस फॉर्म में बदल देना है या डायरेक्ट ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स ई की पावर एक्स ए एक्स कॉस बी एक्स। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है 45 इसी पर बेस्ड है, ये फॉर्मूला लिख देता हूँ लोग मैं, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स तो ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी।
e की पावर x sin bx इज इक्वल टू e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx प्लस b cos bx। लर्न करने में भी आसानी है, a sin bx प्लस माइनस का माइनस b cos bx और cos में रहेगा प्लस, ये भी तो इसकी जड़ तो अभी तो हमें 45 एग्जांपल देखो। एग्जांपल नंबर 45, इंटीग्रेट I इज इक्वल टू e की पावर 3x sin 4x dx। अगर फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपको इस a b की वैल्यू शो करनी पड़ेंगी। हेयर a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4 और इंटीग्रेशन e की पावर ax sin bx इज इक्वल टू e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx। ये फॉर्मूला लिखना है, a और b की वैल्यू 3 है तो देयरफॉर इंटीग्रल I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर ax 3x a 3 sin 4x माइनस b 4 और cos 4x प्लस c। अगर फॉर्मूला यूज करते हो तो डायरेक्ट आप ये लगा सकते हो a और b को शो करके, और बड़ा ज़्यादा नंबर का आ जाता है बोर्ड में तो आपको पूरा मेथड लगाना है, वही बाई पार्ट फर्स्ट सेकेंड मान के लौटेगा आई, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकाला वैसी सेम। 46 देखिए, 46 डायरेक्ट दिखने में तो कोई आपको स्टैंडर्ड फार्मूला लग नहीं रहा, इसको बदल देंगे इस फॉर्म में। एग्जाम्पल नंबर 46, इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू साइन log x बेस e अपॉन x स्क्वायर dx। ये बेस e तो चले तो है ही, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल बेस नहीं है, समझ जाना चाहिए आपको बेस e है और कुछ और बेस है तो उसको चेंज करना है, या नहीं था बेस ये हमने लगा दिया। तो देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 upon x है या नहीं, इसमें एन एक्स क्यूब है नीचे भाई, तो लेट log x बेस इज इक्वल टू टी, देयरफॉर 1 upon x dx इज इक्वल टू dt। तो ये रिटर्न है क्या हो गया बोलिए, इंटीग्रेशन साइन ऑफ log x बेस e अपॉन x स्क्वायर इंटू x dx, x क्यूब इज रिटर्न एज x स्क्वायर इंटू x, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसकी वैल्यू तो हो गई dt, और log x की t इससे निकलेगा x इज इक्वल टू e की पावर t। log x बेस e इक्वल टू t को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू e की पावर t, वैल्यू पुट करिए I इज इक्वल टू दिस इज t sin t log, और ये 1 upon x dx लिया dt में, और ये हो गया e की पावर t का होल स्क्वायर dt, एंड I इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2t sin t dt, e की पावर 2t, एक्स न्यूमरेटर में जाएगा तो e की पावर माइनस 2। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया अपने, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax sin bx dx इज इक्वल टू e की पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a, क्या होगा फॉर्मूला, cos bx माइनस b sin bx। क्या देख चेक करो इसका फॉर्मूला, e की पावर ax sin bx इज इक्वल टू क्या आएगा, a sin bx माइनस b cos bx, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है
कंपेयर करेंगे तो ए और बी की वैल्यू निकलेंगी बाई कंपेरिजन। हेयर हेयर ई की पावर एक्स, ए इज इक्वल टू माइनस टू एंड बी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ टी वन। तो आई इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा दें, ई की पावर माइनस टू टी अपॉन ए स्क्वायर, माइनस टू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए, माइनस टू साइन टी बी एक्स माइनस बी, बी इज इक्वल टू वन कॉस ऑफ टी। और ये क्या हो गया अपना ई की पावर माइनस टू टी अपॉन फोर का स्क्वायर फोर प्लस वन माइनस टू साइन टी माइनस कॉस टी। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी इज इक्वल टू लॉग एक्स, ई की पावर माइनस टू लॉग एक्स बी सी अपॉन फाइव माइनस टू साइन ऑफ लॉग एक्स बी सी माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स बी सी प्लस सी। तो ये ई की पावर माइनस टू, तो ई लॉग एक्स रेज टू पावर माइनस टू बी सी अपॉन फाइव, और माइनस कॉमन ले लो इसमें से तो ये बाहर आ जाएगा माइनस, और टू साइन लॉग एक्स बी सी प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स बेस ई प्लस सी। ई बेस पर आपको बताया हुआ है ये फॉर्मूला, ई लॉग एक्स बेस इज इक्वल टू एक्स, ई लॉग एक्स बेस इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस टू ई लॉग एक्स, क्या है एक्स की पावर माइनस टू इक्वल टू एक्स की पावर माइनस टू अपॉन फाइव इंटू, ये पूरा आंसर है, चेक करो देख। नीचे ले गए माइनस एक्स स्क्वायर तो फाइव वन अपॉन माइनस के वन अपॉन फाइव एक्स स्क्वायर टू लॉग साइन लॉग एक्स, सही है इसको लिख दें, नीचे चला जाएगा ये माइनस है साथ में टू साइन लॉग एक्स प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस सी, और ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन फाइव एक्स स्क्वायर। तो कन्वर्ट करने के लिए लॉग का दो फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूला ऊपर ई की पावर लॉग एक्स बेस ई, बेस और एक्सपोनेंट सेम है तो क्या हो जाएगा एक्स। ये एग्जांपल नंबर 47 में सब्सटीट्यूशन दिख ही रहा है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है हमारे पास तो उसको टी मान लेना भाई। नेक्स्ट एग्जांपल आप इसको 48 को कंप्लीट मेथड से कर रखा है, कर सकते हो 48 को। अब एग्जांपल नंबर 49 में तीन क्वाड्रेटिक फंक्शन हैं, इनको आप परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे और तीन फॉर्मूले रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में से किसी एक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट इंटीग्रल आई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव डी एक्स, दिस इज ए क्वाड्रेटिक, मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ क्या है वन, वन का स्क्वायर ऐड कर दिया माइनस वन स्क्वायर प्लस फाइव डी एक्स, अंडर रूट ये हो गया अपना एक्स प्लस वन का स्क्वायर और फाइव तो प्लस का फोर डी एक्स, यानी आई अंडर रूट एक्स प्लस वन का स्क्वायर
प्लस टू स्क्वायर डी एक्स। फॉर्मूला लग रहा है अपना इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्व टू एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस है प्लस क्या है फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला अपना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये है एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये फॉर्मूला लग रहा है। बट एक्स इज इक्वल टू तो सेम है एक्स प्लस वन आएगा तो लगा दीजिए इंटीग्रेशन एक्स बाई टू एक्स इज एक्स प्लस वन फॉर्मूला ये है बट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन तो एक्स प्लस वन बाई टू अंडर रूट एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग ऑफ एक्स एक्स प्लस वन और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस सी। दिस इज कन्वर्ट किया हमने क्वाड्रेटिक को एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर रिटर्न एज तो ये एज इट इज आ जाएगा एक्स प्लस वन बाई टू अंडर रूट एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव प्लस फोर अपॉन टू टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव प्लस सी ये फाइनल आंसर है। तो वापस आप परफेक्ट स्क्वायर जो बनाया उसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिख देंगे तो ये अंडर रूट न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के तीन जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला उसमें से किसी एक में आएगा और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना और कुछ नहीं करना है।